हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप एक लड़कियां किस तरीके से साड़ी पहने, वो वीडियो मेरा बहुत पसंद किया गया। साथ ही मुझे ये भी कमेंट्स किए गए कि अगर हम फैटी हैं तो हम साड़ी में किस तरीके से पतली दिखें, क्योंकि दी आपने पतली गर्ल्स के लिए तो बना दिया है कि वो साड़ी में किस तरीके से मोटी दिखें और किस तरीके से अच्छी दिखें, बट जो फैटी है ऑलरेडी, जिनका टमी एरिया निकला हुआ है, वो किस तरीके से साड़ी पहने जिससे वो साड़ी में स्लिम नजर आए। तो आज के मेरे वीडियो में इसी का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो स्टार्ट। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप फैटी हैं तो आप भूलकर भी कॉटन के पेटीकोट मत पहनिए। कॉटन के पेटीकोट क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा चौड़े चौड़े होते हैं और उसमें इस तरीके से सलवटें बनती है जिससे आप और मोटी दिखेंगी। तो उसकी जगह आपको इस टाइप के साटन के पेटीकोट पहनने हैं। ये पेटीकोट बिल्कुल स्लिम होते हैं और ज़्यादा घेर भी नहीं होता है, तो इस टाइप के पेटीकोट आप पहनिए। नहीं तो आप पेटीकोट सेफियर आते हैं, वो भी आप यूज कर सकती हैं। दूसरी बात, फैटी गर्ल्स जो होती हैं उनके जो आर्म्स होते हैं, अंडर आर्म्स, वो भी बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, तो ऐसे में भूल कर भी स्लीवलेस ब्लाउज बिल्कुल भी मत पहनिए, इन्हें अवॉइड कीजिए। उसकी जगह आप 3-4 स्लीव के ब्लाउज पहनिए, नहीं तो इतने भी ब्लाउज पहन लीजिए। स्लीवलेस ब्लाउज आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। और साथ ही बहुत से ऐसे टिप्स हैं, इस पर एक अलग वीडियो भी बन जाएंगी। कॉटन की साड़ियों की जगह अब जूट की साड़ी पहनी है, क्योंकि मोस्टली समर में हम कॉटन की ही साड़ी पहनते हैं, तो उसकी जगह अब जूट की साड़ी पहनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सो गाइस, साड़ी पहनने से पहले आप अपने फ्लैट्स वगैरह पहन लीजिए और इसके साथ ही आप पेटीकोट की जो भी नाड़े वगैरह जो भी सल हैं उन्हें आप बैक में कर दीजिए जिससे आप स्लिम लगे, और आपको नाड़े को टाइट नहीं बांधना है और इस तरीके से आपको साड़ी को ड्रैप करना है। जिस तरीके से हम नॉर्मल साड़ी की ड्रैपिंग करते हैं उसी तरीके से आपको साड़ी को ड्रैप करना है, और ज़्यादा अंदर भी नहीं करना है वरना आप एक साथ मोटी दिखेंगी। और इस तरीके से आपको साड़ी की प्लेटें बनानी है। सो गाइस, इस तरीके से बारीक बारीक आप साड़ी की प्लेटें बना लीजिए, और जहाँ तक हो सके आप कॉटन की साड़ी मत पहनिए। कॉटन की साड़ी में आप और ज़्यादा फैटी नज़र आएंगे, और जो एक्स्ट्रा है उसे आप इस तरीके से बैक में कर दीजिए जिससे आपको बैठने और चलने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। सो गाइस, इस तरीके से लेना है और यहाँ से आपको थोड़ा टाइट लेना है, और इस तरीके से आपको प्लेटें बनानी है, क्योंकि लूज छोड़ने से क्या होता है, आप और ज़्यादा फैटी नज़र आएंगी। तो इस तरीके से आपको टाइट्स लेकर ही साड़ी की प्लेटें बनानी है। तो बहुत ही सिंपल, अगर आप बहुत ज़्यादा फेटी हैं तो इस तरीके से आप साड़ी को ड्रैप कर सकती हैं जिससे आप साड़ी में बहुत ज़्यादा स्लिम नज़र आएंगी, और जहाँ तक हो सके आप इस तरीके से साड़ी की प्लेटें बनाइए। और कॉटन की साड़ी को अवॉइड कीजिए, कॉटन की साड़ी बहुत फुली फुली लगती है, और आप चाहे तो यहाँ पर पिनअप भी कर सकती हैं। सो गाइस, एक अगर आपका टमी एरिया ज़्यादा है तो इस तरीके से एक प्लेट को आप छोड़ दीजिए, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो इस तरीके से हमारी जो साड़ी है वो बन के रेडी हो गई है। इस तरीके से आप साड़ी पहन के देखिए, और ये जो मैंने टिप्स बताए हैं उन टिप्स को भी फॉलो करके देखिए। यकीन मानिए, आप साड़ी में बहुत ज़्यादा स्लिम एंड ट्रिम नज़र आएंगी। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहती है तो वो भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ।